असेक्सुअलिटी के बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। असेक्सुअलिटी, इसको कभी कभी एस भी बोलते हैं, ACES शॉर्ट फॉर्म। इसका मतलब है कि सेक्स की इच्छा नहीं होना या सेक्स का अट्रैक्शन नहीं होना। असेक्सुअलिटी मतलब एक प्रकार के ओरिएंटेशन है। जैसा हम बोलते हैं हेटरोसेक्सुअल, हेटरोसेक्सुअल मतलब अपोजिट सेक्स के तरफ अट्रैक्शन होना। लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट, उसको बोलते हैं हेटरोसेक्सुअल। एक होता है होमोसेक्सुअल, मतलब सेम लिंग के तरफ, लड़का लड़के के तरफ, लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसको बोलते हैं होमोसेक्सुअल। कुछ लोग हैं बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल मतलब वो लड़की की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं और लड़के की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं, दोनों भी सेक्स वो कर सकते, वो बायसेक्सुअल हो गए। अभी चौथी कैटेगरी जो मैं बता रहा हूँ आज, वो है असेक्सुअल। असेक्सुअल मतलब इनको सेक्सुअल अट्रैक्शन होता ही नहीं। तो ये पहले से होते हैं, अब इसके कारण अनेक हो सकते हैं। बचपन में कोई ऐसा बहुत ही कुछ तभी हादसा हुआ है सेक्सुअल, या सेक्स के बारे में कुछ बातचीत ऐसी हुई है कि नहीं सेक्स बहुत बुरा है, गंदा है, सेक्स नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ मतलब बचपन में ऐसा कुछ हुआ है, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कि असेक्सुअल, इनका सेक्सुअल अट्रैक्शन होता ही नहीं। अब एब्सटिनेंस अलग है। एब्सटिनेंस क्या है? एब्सटिनेंस का मतलब ऐसा है कि उनको इच्छा है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है, मगर वो बाय चॉइस खुद होके वो सेक्स करते नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, खुद होके सेक्स के लिए ना बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कि भाई इज एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्स। वो खुद चॉइस से सेक्स करना नहीं चाहता है, या सेक्स से दूर रहना चाहता है, या शादी नहीं करना चाहता, वो अलग हो गए। ये जो असेक्सुअल है, ये कभी कभी ऐसा बाय चांस कभी उनको अट्रैक्शन हो सकता है, तो उसको बोलते हैं ग्रे असेक्सुअल। और कभी कभी कुछ लोग हैं कि जिनको अट्रैक्शन होता नहीं है, मगर यदि वो कोई लड़की के साथ में स्ट्रांग इमोशनल बॉन्ड तैयार हो गया, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड, स्ट्रांग इमोशनल बॉन्ड, भावनात्मक तरीके से बहुत ज़्यादा जुड़ गए एखादे लड़की के साथ में, तभी उनको वो लड़की के साथ में ही सिर्फ अट्रैक्शन आएगा, बाकी नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं डेमीसेक्सुअल। अभी कभी कभी होता क्या है कि जिनको अट्रैक्शन नहीं है, उनके ऊपर यदि शादी के लिए ज़बरदस्ती की है माँ बाप ने, बाकी तो लड़का अच्छा दिखता है, मूछ है, दाढ़ी है, सब है, बाकी दिखता लड़के जैसा है, उसके ऊपर जो जबरदस्ती कर लिया, तो कभी कभी वो हाँ बोल देता है प्रेशर में आके, और फिर बाद में सेक्स करता नहीं है, हाथ ही लगाता नहीं है, और फिर लड़की चिल्लाती है, कुछ दिन रहती है, 8-15 दिन महीना भर निकलती है, बाद में निकल जाती है, बोले तो हाथ ही लगाता नहीं है, तो लाइक सिस्टर बहन जैसा सोता है, मुँह फिरा के कुछ करता ही नहीं है, और फिर वो कारण बताता नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसको इरेक्शन भी कभी होता कभी होता नहीं, तो वो कारण बताता नहीं कि नहीं भाई मेरे को इच्छा नहीं हो रही, बोलते नहीं मेरे को करना ही नहीं, मेरे को ऐसा मतलब कुछ तो भी कारण देगा, तो ये माँ बाप को बहुत तकलीफ वाला कार्यक्रम हो जाता है, और शादी जबरदस्ती कर लिया तो बहुत तकलीफ वाला कार्यक्रम होता है। इसलिए माँ बाप को मुझे कहना है कि जब भी कभी आपका बच्चा बेटा यदि ना बोलता है, तो बोले देखना चाहिए कि भाई असेक्सुअल है क्या, उसको सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं है बिल्कुल ही, अट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं है, और फिर वो शादी के लिए क्यों नहीं बोल रहा है, और ना बोल रहा है तो फिर उसका कारण यदि मालूम हो गया, तो फिर अपन उसका कारण निकाल के ढूंढ के उसका इलाज कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है असेक्सुअल या कैटेगरी में। तो असेक्सुअल है तो उसका इलाज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। बातचीत करके, बचपन में क्या हादसा हुआ है उसके बारे में चर्चा करके, अट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्या हो गया, ऐसा दिमाग में ऐसा क्या बैठ गया, क्योंकि बाकी तो सब ठीक है, बाकी हार्मोनल कोई ठीक है, मतलब उसको नाइटफॉल भी होता है, उसको इरेक्शन भी आता है, मगर इच्छा नहीं है उसको सेक्स करने की, तो फिर उससे उसका इलाज किया जाता है, प्रोवाइडेड वो तैयार है तो, कि भाई मेरे को इच्छा नहीं हो रही है तो बताओ क्या करना है, तो फिर वो तैयार है तो होता है, माँ बाप जबरदस्ती लाया तो होता नहीं है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो, काफ़ी जिंदगियाँ बच जाएंगी। मेरे तरफ ऐसे बहुत लोग आते हैं, बहुत कपल्स आते हैं, और फिर बोलते हैं कि शादी हो गई और अभी ये सेक्स करता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करता है, वो होमोसेक्सुअल भी नहीं है, बायसेक्सुअल भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं हो, और वो इच्छा ही नहीं है उसको करने की, तो ज़िंदगी खराब हो जाती है, डिवोर्स तक बात आ जाती है, डिवोर्स ले लेते हैं। तो जरूर लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना,
और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टा मोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।